यह है दोस्तों LX6009 का DC-to-DC कन्वर्टर किट, इसे आप जो है PCB भी बोल सकते हैं। और इसका वर्क जो है आप DC वोल्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, वोल्ट जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है मिनिमम 5 वोल्ट से लेके आपको 50 वोल्ट तक का आउटपुट दे सकता है। और इसको यूज़ करने के लिए आपको इसके इनपुट में जो है वायर सोल्ड करना होगा और आउटपुट में वायर सोल्ड करना होगा, जिसके बाद जो है आप होम क्राफ्ट स्पीकर जो भी आप खुद से बनाते हैं उसे क्या होता है कि कभी कभी पावर कम पड़ जाता है आपके बैटरी के पास, जिस वजह से ये नहीं चल पाता है। और जब भी इसे आप कनेक्ट करते हैं तो ये खुद ब खुद जो है डिसकनेक्ट हो जाता है या फिर वॉल्यूम देने के बाद ये ऑफ हो जाता है। तो उसे आप पावर को जो है स्टेप अप करने के लिए इस तरह का किट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का किट मैंने भी अभी परचेज किया है और इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको किस तरह का आउटपुट इसमें मिलता है। तो इसके लिए हम जो है खुद इसमें 12 वोल्ट का जो DC एडेप्टर है उसे यूज़ कर रहे हैं और इसे इसका जो एम्पियर है वो 1 एम्पियर है और इसे हम DC करंट देंगे और इसे यूज करके देखेंगे किस तरह का आउटपुट इसमें मिल रहा है। तो अभी मैंने नोब को जो है उल्टा लगाया है तो अभी माइनस में 40 दिखा रहा है, बट जब हम इस नोब को पलट देंगे तो जो है ये प्लस में दिखाने लगेगा। माइनस प्लस सही लगाने के बाद ही जो है सही मेजरमेंट दिखाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप जो है अभी 23 वोल्ट दे रहा है और अब हम जो है इसके जो नोब दिया गया है जिसे प्रीसेट कहते हैं उसे घुमाने से जो है वोल्टेज कम या फिर ज़्यादा आप कर सकते हैं। अभी मुझे इनपुट 12 वोल्ट का मिला है और आउटपुट जो है 23 वोल्ट के करीब दे रहा है। तो अभी हम इसे जो है घुमाते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से आप इसे ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं। तो अभी हम मैक्सिमम देखते हैं कि ये अभी कितना वोल्ट जो है आउटपुट दे सकता है। हालांकि स्क्रू जो है काफ़ी छोटा है, मुझे डर लग रहा था कि कहीं ज़्यादा राउंड होने के बाद स्क्रू बाहर ना आ जाए, बट मैं उसे घुमाता रहा और देखा कि आखिर जो है ये कितना आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम गए थे, जो वोल्ट है वो 34 तक अभी जा चुके हैं और देखते हैं कि कितना वोल्ट तक ये आउटपुट दे सकता है। तो अभी देखिए 37, 38 हो चुका है, 39 हो चुका है, 40 हो चुका है, यहाँ पे जो है 40 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है वो 12 वोल्ट के एडेप्टर के साथ। तो बट हमें क्योंकि जो है क्राफ्ट म्यूजिक बजाना है हमारे बॉक्स में तो हम इसे कम करेंगे क्योंकि उसका इनपुट जो है मैक्सिमम 5 वोल्ट से आपको 24 वोल्ट तक ही देना होता है। तो हम इसे कम करेंगे और देखते हैं कि 24 वोल्ट पे म्यूज़िक सिस्टम बजा के कि आखिर इसमें क्या होता है, क्या वोल्ट सही प्रकार से इसे मिल पाती है या फिर नहीं। इसमें सारा डिटेल आपको जेन्युइन बताएंगे, आप जो है इसमें फालतू पैसा ना लगाएं अगर आपके यूज़ में नहीं है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि जब मैंने इसे म्यूज़िक सिस्टम में लगाया तो हुआ क्या। एक्चुअली इसमें जो है आपका एम्पियर इंक्रीज नहीं होता है, सिर्फ वोल्ट इंक्रीज करता है ये। तो मेरा 1 एम्पियर का एडेप्टर था जिसे कि हम डायरेक्ट भी जब यूज़ किए तब भी जो है मेरा म्यूजिक प्लेयर ऑफ हो रहा था क्योंकि जो म्यूजिक प्लेयर का एम्पलीफायर है उसे चाहिए एम्पियर ज़्यादा। तो जब मैंने डायरेक्ट चलाया था 12 वोल्ट से तब भी मेरा जो म्यूजिक सिस्टम था वो बंद हो रहा था और मैं जब इसे लगा के यूज़ किया तब भी जो है एम्पियर 1 एम्पियर से ज़्यादा नहीं जा पा रहा था, जिस वजह से जो है मेरा म्यूजिक सिस्टम बार बार टर्न ऑफ हो जाता था, देन ब्लूटूथ फिर से कनेक्ट होता था और म्यूजिक स्टार्ट होता था। हालांकि वॉल्यूम कम करने पे बाजा जो मेरा है, जो मेरा म्यूजिक सिस्टम है वो बच जा रहा था, बट जो है वॉल्यूम बढ़ाने के बाद वो बंद हो जाता था। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बुरा लगा इसमें, इस वजह से जो है हम इसे यूज़ नहीं कर पाए। और इससे जो है आप LED लाइट काफ़ी बेहतर जला सकते हैं। यदि आपके पास कोई ऐसा LED लाइट है जो कि 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक चलता है तो आप इस तरह का किट लेके उसे जो है यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली चलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये छोटा सा काफ़ी छोटा जो एम्पलीफायर है मेरे पास ये काफ़ी पावरफुल है, 30-30 वाट का 2 स्पीकर ये बजा देता है। और इस एम्पलीफायर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये एक्सपीरियंस कैसा है इस एम्पलीफायर का वो मैंने अपना वीडियो पर्सनल इसका बनाया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। ये काफ़ी बेहतर एम्पलीफायर है और इसका आउटपुट भी काफ़ी बेहतर है। तो आप अगर एम्पलीफायर कोई ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ये काफ़ी बेहतर है। और उस किट के बारे में हम बोले तो आपको बेहतर यही रहेगा कि अगर आप LED लाइट जलाते हैं तब आप उस यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप म्यूजिक सिस्टम के लिए सोच रहे हैं तो उसे ना लें, वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा।
अगर छोटे मोटे कोई एम्पलीफायर है तब आप चला सकते हैं, बस ये जो है 30+30 का आप नहीं चला पाएंगे, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा एम्पीयर का ज़रूरत होता है जो कि वो आउटपुट नहीं दे पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक और मिलेंगे अगले वीडियो में, तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें।